हेलो फ्रेंड्स, मार्शल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे, ये लिनोवा का C20 मॉडल है, ऑल इन वन कहलाता है। इसी में ही सब कुछ है, इसके बोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है, सब इसी के अंदर लगा हुआ होता है, इसलिए ये ऑल इन वन कहलाया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में इसकी डिसअसेंबलिंग करना बताएंगे कि आप अगर इसमें अपग्रेड करना चाहो हार्ड डिस्क को, रैम को, तो किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने से पहले इसको खोलना पड़ता है, तो इसको कैसे खोला जाए ये समस्या बनती है हर किसी के लिए। तो आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे इसको खोला कैसे जाए, फिर आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले आप पीछे का हिस्सा देखेंगे, ये दो रबड़े हैं, इसको खोलेंगे, यहाँ स्क्रू लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ, तो इसको आप ओपन करेंगे। ये दोनों स्क्रू आपके ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप ये देखिएगा, ये पूरा यहाँ से पूरा ओपन होगा ये पैनल। तो इसको खोलने के लिए आप ओपनर का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। इसका लॉक लगा हुआ होता है, ये देखिए ये पूरा ओपन हो चुका। अब इसको आराम से, ये देखिए आराम से इसको लेटाएंगे और इसको इस तरीके से आप देखिए, ये रहा, ये इसकी LCD है, ये इसका पूरा बोर्ड है। तो इस LCD को आप निकाल लें, अलग कर लें, ये LCD अलग हो गई है। अब इसमें आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें रैम अगर आपको अपग्रेड करनी है तो रैम आप निकाल करके बदल सकते हैं। रैम की बहुत बुरी हालत हो रही है, और अगर इसकी हार्ड डिस्क बदलनी हो तो हार्ड डिस्क बदल सकते हैं। DVD राइटर है, DVD राइटर आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको खोलेंगे तो और भी बहुत सारी, देखिए USB कार्ड ये रहा और हार्ड ड्राइव हमारी ये रही। इसको बदलना चाहो ये बदल दो, DVD राइटर ये रहा। तो इस तरीके से ये डिसअसेंबल होता है, और उसके बाद आप इसमें कुछ भी अपग्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।